गाइस हम एक चीज लेने आए थे, एक या दो। आपको हम अपनी कार्ड दिखाते हैं उसके। और ये देखो, ये हमारी एक दो, एक और दो चीज है। मतलब आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? हेलो गाइज, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई ब्लॉग। तो अब आ गए हम अपने घर में, और सच में घर आके जो फीलिंग होती है वो घर वाली होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में घुमाओ, अपना घर अपना ही होता है। तो आज घर आ चुके हैं, और आपने देखा कि हमारी यात्रा कैसी रही। बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया फैमिली के साथ। आई थिंक यही टाइम होता है, और आप लोगों को भी यही बोलूंगी, आई थिंक ये जो मेमोरीज होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं ओवर द टाइम, दिस इज द बेस्ट मेमोरीज जो हम इकट्ठा करते हैं। बाद में जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो शायद हम इसको रिप्ले कर करके देखें और कितने अच्छे पल हमने बिताए। क्योंकि एक टाइम पे पैसा जरूरी है, आई नो, बट पैसे से ज्यादा जरूरी है मेमोरीज इकट्ठा करना। पैसे इकट्ठा करिए उतना जितनी जरूरत हो, बट साथ के साथ मेमोरीज जरूर इकट्ठा करिए, मेरा ये मानना है। तो मैं बस वही बता रही हूँ, जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो समय कभी नहीं आएगा। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, हम शायद कहीं और हो, बच्चे कहीं और हो एक टाइम पे, बट जो ये यादें हैं हमारी, ये साथ में रहेंगी और हम इसको शायद लाइफ टाइम एंजॉय करेंगे। तो चलिए, ये सब चीजों के साथ आज का दिन शुरू करते हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बैक टू नॉर्मल लाइफ, बिकॉज ये रियलिटी है लाइफ की, ये जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप नॉर्मल रहते हो उसके बाद बीच बीच में ब्रेक लेते हो, वो अलग अच्छा लगता है। तो चलिए आज से दिन शुरू करते हैं, और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा वॉक पे जाऊंगी और आपको बाहर का वेदर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, बाहर का वेदर अच्छा है। ये बाहर गए हुए हैं, हमारे जो पुराना घर है उसमें कुछ, मतलब जो हमारा घर रेंट पे है उसमें कुछ विंडो वगैरह चेंज होनी थी, तो ये उनको लेके गए हैं, और अभी वो बंदे हमारे घर आ रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये आने वाले होंगे। तो चलते हैं नीचे और शुरू करते हैं आज का दिन, बोलते हैं जय माता दी। तो मेरे बच्चे अभी यहाँ सो रहे हैं, एक बच्चा वहाँ सो रहा है, और हम जा रहे हैं नीचे। आप लोगों को भी एक बार भगवान का आशीर्वाद देते हैं। चलिए, भगवान आप सबका ध्यान रखें, खुश रखें, मस्त रखें और स्वस्थ रखें, सबसे बड़ी बात है ये। भगवान सबका आशीर्वाद आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में, और ये देख सकते हैं अभी तक हमारे सूटकेस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको अभी सारा खाली करना है हमें। तो ये देखिए, हमारी चाय ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, हमने चाय सुबह ही पी ली थी, और अब किचन वगैरह वैसे ऑलरेडी क्लीन ही है, बस थोड़ा डिशवॉशर खाली करना है। ये करते हैं, बर्तन वगैरह लगाते हैं, वो भैया आने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारा ये जो विंडो है इसको थोड़ा सा ठीक करना है, और एक दो काम और छोटे मोटे जो घर में लगे रहते हैं। तो घर है तो काम तो होंगे ही, ये मान के चलिए, और मैं भी अपने काम पे लगती हूँ। अच्छा लग रहा है वापस घर के काम करने पर। एक चीज आपको दिखाती हूँ, मैं उस दिन डॉक्टर के पास गई थी, मेरे पैर का जो दर्द है वो अभी भी है, क्योंकि मैंने वॉक बहुत ज्यादा करी, और फिर मुझसे रुका नहीं जाता जब मैं वॉक करती। बट डॉक्टर ने मुझे एक सॉक्स बोले, स्पेशल सॉक्स, कंप्रेशन सॉक्स हैं कुछ, को लेके आने, आज मुझे वहां मिले नहीं थे, आज लेके आऊंगे। उन्होंने बोला उसको पहन कर ही वॉक करो, और आई थिंक आई नीड टू बाय वन मोर शूज। ये लोग बाहर हैं अभी, विंडो को देख रहे हैं, वो पूरी विंडो चेंज होगी, और यहाँ बना रहे हैं हम अपना दाल का तड़का, और ये बिल पे कर रहे हैं विंडोज के। और अभी तक तो मुझे जितना पता लगा है ये $1,000 कितने लग रहे हैं, वो विंडो रिप्लेस नहीं कर रहे, फिक्स कर रहे हैं वहाँ पे। फिक्स करने के कितने? $2,300। तो सिर्फ विंडो निकाल नहीं रहे, बदल नहीं रहे, नहीं पुरानी विंडो को ही ठीक करने के $2,300 लग रहे हैं। और आप सोच लीजिए इंडिया के हिसाब से कितने होंगे, मैं तो भूल गई हूँ। और हमारी ये विंडो भी ठीक करने के कितने? $2,00,000 रुपए से विंडो ठीक करने के लिए ले रहे हैं। इसमें पूरे घर की विंडो नहीं, कुछ थोड़ी सी विंडो है जो ठीक करने के लिए ले रहे हैं, और एक विंडो ये भी है, इसके कितने ले रहे हैं बताएंगे, तो वो भी बताएंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे कितना खर्चा होता है, और लेबर बहुत महंगी है। और आप ये भी देखिए कि ये भी इस उम्र में काम कर रहे हैं, इनकी भी उम्र आई एम श्योर 60 से ज्यादा ही होगी। तो काम हर आदमी करता है, क्योंकि सबको अपने घर के बिल पे करने होते हैं। और मैं ये नहीं बोलती कि ज्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, मैं बस ये बता रही हूँ कि यहाँ पे हर चीज महंगी है, और हर जगह के हिसाब से हर खर्चा होता है। बस हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं जो आपको बताते रहते हैं अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। तो गाइज, ये बन गया हमारा खाना, अब हम खाते हैं दाल चावल। और ये है माड़िया, जो सिर्फ मारवाड़ी लोगों के घर पे बनता है। आई थिंक जो मारवाड़ी होंगे वो पता लग जाएगा, अगर आप लोग मारवाड़ी हैं उनमें से कोई तो बताइएगा, क्योंकि सिर्फ मारवाड़ी लोगों में माड़िया बनता है दाल चावल। तो गाइज, अभी हो चुकी है शाम, और शाम के बज चुके हैं 6, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेके, उनको थोड़ा सा सामान दिलाना है, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, और यही सब थोड़े बहुत काम है, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजी है। एक सेकेंड,
पैरों में कुछ आ गया। हाँ तो शाम को अभी कुछ सामान वामान लेना है क्योंकि घर पे फ्रूट्स वगैरह नहीं थे, तो हम सोच रहे हैं अभी जाके थोड़ा ले आते हैं फ्रूट्स वगैरह, इनको कुछ सामान भी चाहिए वो भी दिला देते हैं, तो वो सब काम कराते हैं क्योंकि इनके भरोसे रहेंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएंगे। इनका चल रहा ऑफिस का कॉल, ये कहते हैं चलूंगा चलूंगा, तब तक हमें बहुत लेट हो जाता है। तो फिलहाल तो बच्चों के साथ जो काम करने हैं वो कर लेते हैं और जब तक ये फ्री होंगे होपफुली बाकी के काम बाद में करेंगे। तो चलिए अभी इनको लेके चलते हैं और काम फिनिश करते हैं। तो गाइज हम बाहर आ चुके हैं और हमें जलते जलते इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कि मैं भी चलूंगा, तो चलो फिर चलो भैया चलना है, तो ये भी आ गए पीछे, इस वजह से मैं 5 मिनट और लेट हो गया। किस चीज़ का क्रेडिट कार्ड? तो इन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया क्योंकि मेरे 2-3 क्रेडिट कार्ड खो चुके हैं, वो मेरी गलती से नहीं खोए हैं, मुझे याद नहीं रहता। हाँ नहीं है, मुझे याद नहीं रहता, और ये लोग क्रेडिट कार्ड निकाल लेते हैं खो देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुमने खो दिया। तो चलिए एक्सक्यूज मी, पहले प्लीज फाइटिंग बंद करो तभी गाड़ी के अंदर आना, निकलते हैं। तो गाइस हम आ गए थे कॉस्को, हमें थोड़ा घर का सामान लेना था और ये इतना बड़ा स्टोर है कि एक ब्लॉग में कवर करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही बड़ा स्टोर है, इस लाइक अ फैक्ट्री स्टोर, और चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत रीजनेबल मिल सकती हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो गाइस आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा सामान मिलता है, ये सारा बैकयार्ड के लिए, और सब गर्मी आ गई तो आपको दिख जाएगा कि टॉवल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलने लग गया है। और देखिए यहाँ पे कोका कोला की बॉटल्स भी हैं, ये बस कोका कोला देख के ही अलग लगता है, सब कुछ है यहाँ पे। अब देखो पानी, कोका कोला, सब कुछ इज लाइक अ फैक्ट्री। पर हाँ मैं जल्दी आप लोगों को कॉस्को का एक टूर दूंगी और आपको ये बताऊंगी कि यहाँ के प्राइस डिफरेंस कितने हैं अदर स्टोरों से, और काफ़ी सस्ता पड़ता है अदर स्टोर से। और अगर आप देखोगे तो सारे ज़्यादातर लोग जो घर का ज़्यादा सामान लेते हैं वो यहीं पर आते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, उल्टा अगर आप इकट्ठा ले ले तो जो चीज़ ज़रूरत होती है तो काम ज़्यादा आती है। तो पर मैं आज तो इस ब्लॉग को नहीं, बट मैं आगे जल्दी ही एक ब्लॉग इस स्टोर के ऊपर बनाऊंगी ताकि आप लोगों को और जानकारी दे सकें। अब देखो कैंपिंग का कितना सामान यहाँ पे मिल जाता है, वाटर स्लाइड्स देखो, बहुत बड़ा स्टोर है ये, और यहाँ पर हर चीज़ आप सोचो घर की या बाहर कैंपिंग, आउटडोर इनडोर सब आपको मिलेगा। हम एक चीज़ लेने आए थे, एक या दो, आपको हम अपनी कार्ड दिखाते हैं उनके। और ये देखो ये हमारी एक और दो चीज़ है, मतलब आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि एक चीज़ लेने गए हो जाता है? नहीं, वो लोग सब जगह हर कोई कॉस्को में जाता है, बट आप जाते हो कभी ऐसे स्टोर में, कभी एक चीज़ लेने जाओ और ऐसे 10 चीज़ें उठा के लाते? 10 नहीं है, 20 है, मतलब जो भी है एक की जगह 10 या 20 ले। आप ये देखो बेटा, एग को तोड़ दो। तो वैसे टोटल बिल $202 का है, और अगर बाजार में लेते तो शायद ये और महंगा होता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है, इस वजह से ये सारा $202 का। और हमारी शॉपिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टोर आगे, और टिया और ये गए हैं दूसरे स्टोर, इनको कुछ और काम था क्योंकि टाइम कम है, काफ़ी स्टोर्स बंद हो जाएंगे और फिर हमें अपने दोस्त के घर पर भी जाना है शाम को, आई मीन रात को। तो बस हम ये काम निपटाते हैं और फिर मैं आपको स्प्रिंग के कलर दिखाती हूँ, ट्रीज़ के कितने सुंदर हो गए, देखिए लुकिंग सो प्रिटी, देखिए। तो गाइस घर आ चुके थे शॉपिंग के बाद, और घर आके हमने खाना बनाया, तो हम दोनों ने एक एक चीज़ बनाई है, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। एक मिनट पानी बंद करोगे, एक सेकंड। तो गाइस हम घर आ चुके थे और घर आके हम दोनों ने एक एक चीज़ बनाई है, और बच्चे बताएंगे ज़्यादा अच्छा किसका बना, तो आपको दिखाते हैं क्या बनाया। इन्होंने बनाई पनीर की भुर्जी, मैंने बनाई है भिंडी, और मेरे हिसाब से भिंडी बहुत अच्छी बनी है, बट बच्चों से डिसाइड करवाएंगे कि क्या अच्छा बना। तो स्टिया से पूछते हैं कि पहले एक भिंडी की बाइट और एक पनीर की बाइट, और बताओ ज़्यादा अच्छा क्या बना। तो टिया ये बताओ किसका अच्छा बना है, भिंडी या फिर पनीर, सही बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी टिया। The dish is really good, both of them. I personally like the pneumo, but without my own judgment, I would say the bindi's made better. सही बताओ, मतलब मेरा कोई कह रहे से कोई बात नहीं, ये बोलेगी नहीं, ये ऐसी बच्ची है दोनों को ही खुश करेगी, तो कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा लगा ना दोनों चीजें, तो चलो खाओ। अभी आ गई असली असली ये देगी, नहीं तो ये बताओ भिंडी अच्छी है या पनीर, जल्दी आ जाओ, तो बताओ जल्दी, ये बताओ कि अच्छा है किसका बना प्लीज एक बार, पनीर या भिंडी? हाँ तुमने खाया भी नहीं है, बिना खाए कह रही है पनीर अच्छा बना, ठीक है मैंने तुम्हें आज सब कुछ दिलाया, कैसे ला माँ की तारीफ करते हैं भाई, यू लाइक पनीर मोर इन जनरल। चलो ठीक है, चलो ये था हमारा डिनर, और आप देख सकते हैं भारी मतों के साथ, झूठे मतों के साथ पनीर जीत गया, क्योंकि अपने पापा की तारीफ करेंगे, और टिया दोनों तरफ थी।
तो मैं जजमेंट को यहीं पर रद्द कर देती हूँ, गेम ही ओवर कर देती हूँ मैं। चलिए अब मैं भी खाना खाने जाती हूँ।